हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी अभी हमारे साथ मौजूद है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, जयप्रकाश जी किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, वही नारंग में क्या कुछ अलग देखने को? केंद्र सरकार हिलगी, बीजेपी सरकार हिलगी, हमारे विधायकों को गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे नेताओं पे ईडी के झूठे मुकदमे बना रहे हैं, प्रदेश सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे बना रही है। तो इससे ये सिद्ध हो गया है कि दीपेंद्र सिंह की लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी की हवा से पूरा विपक्ष आज बौखला चुका है। और मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के बैठे हुक्मरानों को कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस तरीके से परेशान करने का साथियों प्रयास करोगे, इस प्रदेश की वो जनता है जिसने अपने अपमान का बदला हमेशा लिया है। और जब भी विधानसभा के चुनाव आएंगे, यहाँ से मैं 45-46 हजार से जीता था, यहाँ बीजेपी और जेजेपी की जमानत भी टोए से नहीं मिले। जयप्रकाश जी, आप इतना खुल के मत बोलिए, आप सांसद बने, सरकार अभी भी बीजेपी की है, ईडी अभी भी जिंदा है। चौटाला साहब का टाइम और मैं बहुत मुकदमे बने, ईडी इस सरकार की भी छुट्टी है, कई मुकदमे बनाओ, वी आर रेडी। अच्छा, नारंग हल्के में पिछले लंबे समय से अभी तक कांग्रेस का कोई उम्मीदवार विधायक के रूप में नहीं जीता, हालांकि आपने रिकॉर्ड तोड़ा था, क्या वो रिकॉर्ड विधानसभा में भी कायम रहेगा? 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन यहाँ पे तो टिकटार्थियों की बहुत लंबी लिस्ट है। जिसकी दुकान पे माल होता है ग्राहक उसी के होते हैं। लेकिन कई बार ग्राहक ज्यादा हो तो बताशा का बढ़ामा कपास भी खा जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित है, ये सब लोग कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। तो जिस प्रकार से ईडी लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर शिकंजा कस रही है, बीजेपी के तमाम नेताओं का दावा है, कहना है कि ईडी अपना काम कर रहा, कानून अपना काम कर रहा, आपको दिक्कत क्यों, आपके पेट में दर्द क्यों? मारे तो पेट में दर्द होता है क्यों नहीं, दर्द है बीजेपी के पेट में, परेशान है, लूट खाया 10 साल हरियाणा। जो हमारी पार्टी ने ये 115 इनके 4 सीट लगाई है, उसी से भयभीत है ये, उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। अब देखिए, दीपेंद्र सिंह को जिम्मेवारी दी है, ये AICC का अभियान है। AICC ने किसको इंचार्ज बनाया है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो अभियान चला है, उसे दिन से पूरी केंद्र सरकार बड़ी विचलित हो गई है। जी, विचलित हो गई है। लेकिन आज एक सवाल हम करना चाहेंगे नारंग विधानसभा क्षेत्र से संबंधित, यहाँ से एक ऐसे टिकट के दावेदार हैं जो भावी मुख्यमंत्री के खेमे से आते हैं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय चौधरी की, वो कहते हैं कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन आज वो कांग्रेस की यात्रा से गायब है। मैं हमारी पार्टी का नेताओं का फैसला, पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, मीडिया पे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जयप्रकाश के मन में बहुत कुछ है लेकिन जुबा पर नहीं लाना चाहते। नहीं, पब्लिक में क्यों कहेंगे, मीडिया में क्यों कहेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे बताएंगे। अच्छा, टिकट के दावेदारों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है जयप्रकाश जी, क्या फॉर्मूला अपनाएंगे आप? अच्छी बात है, सर्वे कराएंगे, माथा देके टीका नहीं लगेगा, जो सर्वे में आएगा उसको टिकट मिलेगा, कितने बड़े से बड़ा क्यों ना हो। ये देखिए, जयप्रकाश ने ऐलान कर दिया है कि सर्वे होगा, सर्वे के बाद ही टिकट मिलेगी, हालांकि सर्वे किसके पक्ष में जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जयप्रकाश उर्फ जेपी ने ऐलान किया कि वो सरकार की तरफ से कोई भी कार्यवाही होती रहे उससे नहीं डरते हैं और ना ही आने वाले समय में ये डरेंगे, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नारंग विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा यात्रा निकालने के लिए पहुंच गए। जी हाँ, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की शुरुआती झलकियां सबसे पहले हम बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे नारंग को शहर की तरह, दुल्हन की तरह सजाया गया। ये देखिए, चाहे हांसी रोड की बात हो या फिर उसके बाद जींद रोड की बात हो, दोनों तरफ पूरे नारंग शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि अब की बार नारंग विधानसभा क्षेत्र से हम इतिहास बदलेंगे, अब की बार यहाँ से किसी ऐसे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो जीत हासिल करेगा। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे, हरियाणा मांगे हिसाब, किस प्रकार का हिसाब मांगना चाहते हैं? हरियाणा के अंदर जो बीजेपी सरकार की जो गुंडागर्दी रही है, इसके कांग्रेस पार्टी के हर वर्ग हर 36 जात का एक ही नारा है, कांग्रेस लाओ भाजपा बजाओ। जी, कांग्रेस लाओ भाजपा भगा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं यात्रा की शुरुआत करने के लिए, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की तमाम जो झलकियां है वो हम आपको हरियाणा के हिसार जिले के नारंग विधानसभा क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर जो तमाम जो लोग हैं वो यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोश और आक्रोश और एक नई उमंग जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है।